पहली नजर आपकी इन पे पड़ी, इसलिए इनको पर्चा भी एक नंबर का करो। दो तो नहीं खुलवाना। अच्छा ठीक है। विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई है। दंशु कुमार को आराम लगेगा, चिंता ना करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। भक्ति का आशीर्वाद चाहती हैं, निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बीच में और पूर्व में जो अपराध हुए उन अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। क्या नाम है रोगी का तुम्हारा? माइक ले लो। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? एक नंबर फाइनल के दो? एक। पहली नजर आपकी इन पे पड़ी, इसलिए इनको पर्चा भी एक नंबर का करो। दो तो नहीं खुलवाना। अच्छा ठीक है। ये कितना नंबर बालक है? पढ़े लिखे हो? हम पढ़ के बोले, विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई है। दंशु कुमार को आराम लगेगा, चिंता ना करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल मत रोइए। क्या बात एकदम सही? कोई संदेह? चलो रो मत। ये झटका में आज से ही आराम लगेगा, पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है। हमने इसमें मंत्र लिखा, उसको आपको जो है जाप करना है। भभूति वहां से ले लो, हम सेना अभी भेज देते हैं। आप रोना बंद करो, जाओ। और दूसरी बात, घर में बहुत ज्यादा भय लगता है, हाँ डरता है, कोई दिखाई देता है और यह बालक परेशान भी होने लगता है, शरीर से लार भी निकलने लगती है। और तीसरी बात, आपके आपने मकान का बंधन भी करवाया, कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत जगहों पर भी गए, बहुत कोई लाभ नहीं हुआ। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, वाणी और पर्चा मिथ्या नहीं होगा, समय जरूर लगेगा लेकिन आशीर्वाद है। नेक्स्ट होगा बिटिया, बेटी साथ में आ जा रही है, आइए माँ, आ जाओ बहन, अगर साथ में हो आ जाओ, अभी भगवती की मालिश करवा दो, वहां बैठ जाओ। बस बस बस, रोते नहीं माता जी। बालाजी सब कुछ देखो, बालाजी की सब उनकी दया, देखो उन्होंने बहन जी के माध्यम से कैसे बुलवा दिया। बोलो क्या प्रश्न है आपका, माइक ले लो। वो हमारा नियम है, दूर से ही पढ़ा, माइक ले लो, माइक ले लो, पूछो क्या प्रश्न है। पहले पर्चा की बात, बिना माइक के भी हो सकता है लेकिन पूछ सकते हैं, माइक से भी पूछ सकते हैं। सन्यासी बाबा ने बोला, सन्यासी बाबा ने बोला था हैं। और केले का दर्शन भी हुआ था फिर। अरे वाह, और फिर एक दिन और दर्शन बताया आपने। चलो पूछो क्या प्रश्न पूछना है। मुझे मेरे को इष्ट हम तुम्हारे कौन है, मेरे भगवान कौन है, ये पूछना। ठीक, और गुरु जी मेरा मेरे को भक्ति कैसे मिलेगी? ठीक, बहन जी अवन का तो एक ही बचा है, यही वाला प्रभु। सिर में बोझ ना ले, भक्ति बढ़ेगी, आपके इष्ट कृष्ण भगवान है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, भक्ति का आशीर्वाद चाहती हैं, निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बस माता जी बस,
बिल्कुल उनका एक मंत्र हमने लिखा और आप वैसे भी ठाकुरानी को अभी बहुत मानती हैं, श्री प्रियाजू को, प्रियाजू मतलब राधा रानी जो, अभी आप ठाकुरानी की बहुत भक्ति कर रही हैं और निर्मल भक्ति जीवन भर के लिए पाना चाहती, और बीच में और पूर्व में जो अपराध हुए उन अपराध का प्रायश्चित करना चाहती, और आपने ये भी मन में कहा था कि हमारे अपराध को माइक से ना बोला जाए, केवल आशीर्वाद भर दे दिया जाए, तो जाओ बालाजी ऐसी दया करें कि आप सतत भगवान की भक्ति करती रहें। उनके पैरों की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। कोई बात, वो भी मानने लगेंगे, तुम्हारे पति भी मानने लगेंगे, जा बात नहीं है, तभी हम पर्चा कर लें। लाल वाली साड़ी वाली माता खुश रहो बेटू, बहुत बहुत बेटू।